कच्चे आम का अचार और उसकी चटनियाँ तो आप सभी ने बहुत ट्राई करी होगी। क्या आपने इस तरीके की चटनी कभी ट्राई करी है? नहीं तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई रेसिपी जो आपको जरूर पसंद आएगी। वेलकम टू माय चैनल इंडियन होम कुकिंग और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतीक्षा। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने दो मीडियम साइज के कच्चे आम लिए हैं, जिनका मैंने छिलका और गुठली निकाल के इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ में मैंने लिया है धनिया, पुदीना, 1 इंच मैंने लिया है अदरक, 2 से 3 मैंने लिया है गार्लिक और 2 हरी मिर्च ली है। और साथ में मैंने मसाले लिए हैं जीरा, मिर्च और मेथी और काला नमक, और मैंने 1 बड़ा नींबू का रस लिया है। और साथ में अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एक चॉपर। आप सभी के घर में इस तरीके का चॉपर होगा तो आप इसमें भी चॉप कर सकते हो। इनकेस अगर नहीं है तो आप अपने जो मिक्सी का ग्राइंडर होता है उसमें डाल के आपने बस पल्स में ही जो है अपनी मिक्सी घुमानी है। ध्यान रहे हमने इसकी चटनी नहीं बनानी, ना हमने इसकी ना प्यूरी बनानी है, हमें इसको दरदरा ही पीसना है। अब मैं सारी जो चीज़ें हैं ग्राइंडर में जो है शिफ्ट कर लेती हूँ। ये मेरा धनिया, पुदीना, मिर्च, मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी, मगर हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, हमें इसको जो है दरदरा पीसना है। दूसरा, हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। लास्ट में मैं डाल दूँगी इसमें नींबू का रस और इसको मैं पल्स में ही मिक्सी को चलाऊंगी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसको 7 से 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और ये देखिए कुछ इस तरीके की बन गई है। इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये दरदरा सा ऐसा कुटा हुआ है। और आप चाहें तो आप इसको इमाम दस्ते में भी कूट के बना सकते हो, उसमें भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। और मैं इसको सर्व कर लेती हूँ एक बोल में, ये बिल्कुल रेडी हो गई है बनके। अच्छा हाँ, अगर आप चाहो तो आप इसमें एक मीडियम साइज का जो प्याज है वो भी ऐड कर सकते हो, उसको भी डाल के बना सकते हो, उसमें भी बहुत टेस्टी बनती है। मगर आज मैंने इसको विदाउट अनियन ही बनाया है। और ये जो चटनी है वो आप अपनी रोटी के साथ, पराठे के साथ, इवन खाकरा, पापड़ किसी के भी साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। और दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इन गर्मियाँ आप बिल्कुल भी मिस मत करिए ये वाली चटनी बनाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर ज़रूर से ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी बंद करें।